प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज थी। ऐसी संभावना जताई जाने लगी थी कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब चुनाव के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र से पंचायत चुनाव को लेकर पत्र आने के बाद झारखंड में फिर पंचायत चुनाव का मामला फंस गया है। केंद्र ने पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को लेकर यहां पत्र भेजा है। इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। यह देखा जा रहा है कि किस तरह यहां आरक्षण को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। अब विचार हो रहा है कि यहां ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक यहां आरक्षण की दिशा में सरकार आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर जब तक इस समस्या का हल नहीं निकल जाता, तब तक झारखंड में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मध्य प्रदेश गुजरात पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले से संबंधित है। हालांकि भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ राज्यों को पत्र भेजा है। राज्य सरकार इस पर भी विचार कर रही है। यहां पेशा कानून लागू है, ऐसे में इस पर आगे क्या किया जा सकता है, इसकी राय ली जाएगी। वहीं राज्य के अनुसूचित जिलों में चुनाव कराने के बाबत विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में अब तक दो बार ही पंचायत चुनाव हो सका है। हालांकि झारखंड में पंचायत चुनाव कराने को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। नई मतदाता सूची के मुताबिक सारी तैयारी की जा रही है। मतदाता सूची के प्रकाशन का भी काम चल रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सारा काम जल्द ही होगा। इसके बाद राज्य में पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन अब भारत सरकार के इस पत्र से मामला लटक गया है। जब तक इस पर सरकार फैसला नहीं लेगी, तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकेगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।